सूरजपुर जिले में रामानुजनगर ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले ओपन कास्ट कोयला खदान में क्षेत्र के स्थानीय युवाओं को जो बेरोजगार है उन्हें अडानी एवं अन्य कंपनियों के द्वारा स्थानीय युवाओं को रोजगार मुहैया नहीं कराया जा रहा है। इसी कारण से किसान कांग्रेस, सेवा दल, इंटर कांग्रेस एवं कांग्रेस पार्टी द्वारा आम गाँव शाली में धरना प्रदर्शन एवं चक्का जाम। किसान प्रदेश महामंत्री विमलेश तिवारी की अगुवाई में किसान कांग्रेस एवं सेवा दल के एवं कांग्रेस पार्टी के सभी प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों द्वारा चक्का जाम एवं धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम आम गांव सालही में किया गया था, जिसमें किसान कांग्रेस के सभी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता एवं क्षेत्र की जनता इस कार्यक्रम में एवं सेवा दल के जिलाध्यक्ष छतरलाल सावरी एवं किसान कांग्रेस महामंत्री सूरजपुर, जिला किसान कांग्रेस महामंत्री विमलेश तिवारी एवं किसान कांग्रेस जिलाध्यक्ष जगदीश प्रसाद सिंह द्वारा कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा गया कि क्षेत्र के स्थानीय बेरोजगार युवाओं को अदानी कंपनी एवं अन्य कंपनियों द्वारा रोजगार मिलना चाहिए, क्योंकि हमारा अधिकार एवं हक है एवं हमारे क्षेत्र के स्थानीय लोगों को पानी, बिजली एवं स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना अदानी कंपनी एवं खदान प्रबंधन द्वारा किया जाना चाहिए, ताकि क्षेत्र की जनता को उनकी मूलभूत समस्याओं से निजात मिल सके। अब देखना यह है कि इसमें कोयला खदान प्रबंधन द्वारा क्या संज्ञान लिया जाता है। सबसे तो पहले मैं मीडिया के साथी को धन्यवाद देता हूँ जो आज हमें कवरेज करने आए। आज जिला किसान कांग्रेस के तत्वाधान में आज जो ECCL प्रभावित क्षेत्र हैं उनको रोजगार दिलाने के लिए जो युवाओं जो एकता हैं उन लोग को रोजगार दिलाने के लिए आज धरना प्रदर्शन किया गया था ECCL साली अमगांव खदान में, और प्रबंधक के द्वारा आश्वासन दिया गया कि इसको जल्द से जल्द इस मसला को सुलझाएंगे और ऊपर बात करके रोजगार युवाओं को दिया जाएगा। और साथ में जो ECCL के प्रभावित क्षेत्र आते हैं, जैसे 7 किलोमीटर के दायरे में इसका एक कैटेगरी एरिया जो होता है उसमें पेयजल का व्यवस्था बनाएंगे और स्वास्थ्य का व्यवस्था बनाएंगे, जहां पानी का सुविधा नहीं है वहां पानी का सुविधा देंगे, जहां स्कूल का सुविधा नहीं है वहां स्कूल का सुविधा देंगे, रोड का जो मरम्मत है वो मरम्मत कराएंगे, सारा आश्वासन दे के गए हैं जी। और 2 महीना का आश्वासन दिए हैं, अगर 2 महीने के अंदर अगर काम चालू नहीं हुआ, या पहला प्राथमिकता तो है कि यहाँ स्थानीय लोगों को रोजगार जी, जो हमारे रोजगार भाई युवा जो इधर उधर आज भटक रहे हैं जी, उनका कहना है कि हमारा कोयला है, हमारा ज़मीन है, हमारा सब कुछ है जी, इसके बाद भी बाहर के लोग आके यहाँ मजदूरी काम कर रहे हैं, तो बाहर के लोगों को ना रख कर हमारे स्थानीय लोगों को रख कर यहाँ रोजगार दें, उन लोग का घर परिवार चले, ये हमारा कहना है। अगर इस बात को अमल नहीं करती है ECCL तो पुनः आंदोलन के लिए जिला किसान कांग्रेस, सेवा दल, इंटर कांग्रेस पूरा संगठन मिल के बड़े रूप में आंदोलन करेंगे, चक्का जाम करेंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे, यही हमारा कहना है। तो ECCL प्रबंधक का कहना है कि जल्द से जल्द इस मसला को सुलझाएंगे। तो सर News 21 में आपका स्वागत है, आप का नाम क्या सर है सर? जी मेरा नाम उमेश कुमार रवि है जी, मैं सूरजपुर कांग्रेस कमेटी का जिला प्रवक्ता के रूप में हूँ जी। यहाँ पर सर किसान कांग्रेस, सेवा दल, इंटक कांग्रेस के द्वारा जो प्रदर्शन किया जा रहा है, तो इसमें क्या क्या मुद्दे हैं सर? देखिए यहाँ पर अपन आए थे, यहाँ पर धरना प्रदर्शन किए जी, कई मुद्दा को लेकर के जी, जैसे मार्ग का मुद्दा लेकर के जी, रोड हमारा विश्रामपुर छत्तीसगढ़ ढाबा से लेकर के जी साली आम गांव कोल माइंस तक जी रोड खराब है जी, उस मुद्दा को लेकर के यहां पर बोला गया जी। और हमारे जितने युवा बेरोजगार भाई हैं जी, जिनको आज रोजगार नहीं मिल रहा जी जी, उसमें यहां के लोग समझते हैं, ECCL कर्मचारी अधिकारी समझते हैं कि सारे लोग पढ़े लिखे नहीं है जी, परंतु मैं मीडिया के द्वारा बताना चाहता हूँ जी, हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी अच्छे से अच्छे पढ़े लिखे एजुकेटेड है जी, जागरूक है, जानकार है जी, तो मौका दिया जाए ड्राइवर से लेकर के हर एक भाइयों के लिए जी। हम बात किए हैं और यहाँ पर आए थे सब एरिया मैनेजर साहब, उनसे बात हुआ, बेकायदे वो
राइटिंग में बोले हैं कि हम लिख करके दे रहे हैं और रोड का काम है 2 से 2.5 महीना के अंदर पे शुरू होना है और शुरू होगा। और कई प्रकार का जैसे शिक्षा को लेकर के DVV स्कूल में हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग जो शिक्षा से वंचित रह जाते हैं उन्हें शिक्षा भी मुहैया कराया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र के गरीब जनता के लोगों को भी शिक्षा के लिए DAV स्कूल में एडमिशन होगा, इसके लिए भी आश्वासन दे करके गए हैं। यदि सर ये जो समस्या है स्थानीय समस्या है, यदि ये जो प्रबंधक है यहाँ के जो मैनेजर हैं उनके द्वारा नहीं किया जाएगा तो आप लोग फिर क्या करेंगे आगे? देखिए, आज का जो हम लोगों का धरना प्रदर्शन था ये हम बड़े नम्रतापूर्वक यहाँ पर आए जी, और यहाँ के खान प्रबंधक जो हैं सब एरिया मैनेजर उनसे बड़ी नम्रतापूर्वक मिले, उनसे अपने बातों को रखे, परंतु इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार हमारी जो धरना प्रदर्शन होगा विशाल रूप में होगा और बिल्कुल हमारे इस क्षेत्र के जितने ग्रामीण लोग हैं उनके कंधे पे कंधा मिला करके हम खड़े हैं और उनके हक और अधिकार के लिए हम बिल्कुल लड़ेंगे। न्यूज़ 21 चैनल में आपका स्वागत है सर। आपका नाम क्या है सर? आप किस पद पे हैं? सबसे पहले तो मैं आप न्यूज़ वाले को धन्यवाद देता हूँ। मैं लिम्नेश सिंह, NSY प्रदेश सचिव छत्तीसगढ़ जी। तो जो ये शिक्षा का विषय है सर, इसके लिए आप बताइए क्या करना चाहेंगे क्षेत्र के माननीय मिलेश तिवारी प्रदेश महामंत्री किसान कल्याण छत्तीसगढ़ के अगुवा में आज धरना प्रदर्शन किया गया। और जैसे कि हमारे मैं छात्र संघ की राजनीति करता हूँ तो मैं बताता हूँ कि DAV स्कूल है एक जो SSCL के द्वारा खोला गया है, उसमें आज आश्वासन करवाया गया कि छात्र जैसे कि वहाँ भी स्कूल में सीट बहुत रहता है लेकिन गवर्नमेंट इधर ग्रामीण क्षेत्रों को स्टूडेंट को एडमिशन नहीं मिलते, इस कारण हम लोग आज प्रधान को वहाँ आश्वासन करवाए कि यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों को स्टूडेंट को भी एडमिशन मिले।